लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। आपकी सभी जरूरतों का सामान है सुरक्षित हाथ में। राशन सेतु ऑनलाइन किराना स्टोर फिरोजाबाद। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप करें 7455005450 या वेबसाइट देखें www.rashansetu.com। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। फिरोजाबाद साथी फाउंडेशन द्वारा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सेवा का किया गया शुभारंभ। नगर विधायक डीएम एसएसपी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने किया दीप प्रज्वलन। बताया कि जल्द ही पुलिस लाइन में किया जाएगा 10 बेड का हॉस्पिटल संचालित। बता दें फिरोजाबाद शहर में साथी फाउंडेशन फिरोजाबाद द्वारा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सेवा का शुभारंभ फिरोजाबाद क्लब बाईपास रोड पर किया जा रहा है। इस दौरान दीप प्रज्वलन पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों के रूप में मौजूद कार्यक्रम अध्यक्ष नगर विधायक मनीष असीजा, डीएम चंद्रविजय सिंह, एसएसपी अजय कुमार, मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर संगीता नेजा ने किया। संरक्षक डॉक्टर एमसी अग्रवाल, महेश चंद्र महर्षि की प्रमुखता से मौजूदगी रही। कार्यक्रम को लेकर डीएम चंद्रविजय सिंह ने बताया कि पूर्व में भी कोरोना की द्वितीय लहर को लेकर समाज सेवियों की अच्छी पहल रही है। इस बार भी कोई मरीज वेंटिलेटर पर ना पहुंचे, इसके लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सेवा का शुभारंभ किया गया है। वर्तमान में 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध है, ये सराहनीय कार्य है। प्रमुख उद्यमी मुकेश बंसल टोनी ने कहा कि पूर्व में भी मेडिकल कॉलेज में 15 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रदान किए हैं। जल्द ही एसएसपी अजय कुमार से वार्ता कर पुलिस लाइन में 10 बेड का हॉस्पिटल संचालित किया जाएगा। साथ ही फाउंडेशन समय समय पर लोगों की मदद के लिए ऐसे कदम उठाता रहेगा। साथ ही कहा कि नगर विधायक मनीष असीजा ने सभी उद्यमियों, साथी फाउंडेशन पदाधिकारियों का, प्रमुख अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन भाजपा नेता भगवान दास शंखवार ने किया। कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शहर के कई चर्चित डॉक्टर्स और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। फिरोजाबाद से शेखर यादव की रिपोर्ट। हमारे डॉक्टर राजीव अग्रवाल जी और हम लोगों में एक बैठक डिसाइड हुआ था, एक साथी फाउंडेशन संस्था का हम लोगों ने एक चयन किया था और उसके अंतर्गत 51 हम लोगों ने साथी फाउंडेशन में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रखे हैं और 15 हम लोगों ने पहले मेडिकल कॉलेज में दिए थे और अभी प्रधान साथी जब हमारी बात हुई है तो 10 बेड का एक हॉस्पिटल पूरे लाइन में तैयार किया गया है, उसके अंदर भी हम लोग करने जा रहे हैं। और साथ ही फाउंडेशन का हमारा जो एक टारगेट है कि हमें क्या करना है, तो फिरोजाबाद में एक वेंटिलेटर युक्त कोई भी एम्बुलेंस नहीं है, तो दो एम्बुलेंस भी हम लोग करने जा रहे हैं उसके तहत और एक बड़ा कैंसर हॉस्पिटल की बहुत रिक्वायरमेंट है। किस तरह का कार्यक्रम है और इसके क्या फ़ायदे हैं? फिरोजाबाद में कोरोना की दूसरी लहर में लगातार इंडस्ट्री का या उद्योग जगत का या हमारे जो व्यापारी वर्ग हैं, समाज सेवी हैं, उनका जो सहयोग मिला है वो लगातार मिल रहा है और आज भी इस क्रम में साथी फाउंडेशन के माध्यम से 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं। वो हमारे दूर दराज के क्षेत्रों में या पूरे जनपद में जो मरीज हैं उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए उपयोग किए जाएंगे और उससे आने वाले समय में भी कोरोना की जो तीसरी लहर है उससे बचाव में भी काफ़ी मदद मिली है। तो लगातार हमारे जो प्रबुद्ध वर्ग है वो सहयोग कर रहे हैं और टीम भावना का परिचय देते हुए सब लोग इस महामारी से लड़ने में जुटे हुए हैं, जिसके बहुत अच्छा प्रयास सभी के द्वारा किया जा रहा है।